फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आर्टिकल 246 में क्या है? लिस्ट है। लिस्ट कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तीन लिस्ट है अपने पास। ओके, सबको पता है यूनियन लिस्ट, सेंटर। यूनियन लिस्ट का पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है, स्टेट लिस्ट का पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में होता है और कॉन्करेंट लिस्ट का पूरा कंट्रोल ऑब्वियसली यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में होता है। सो अभी अदर देन लिस्ट, अदर ये तीनों लिस्ट के अलावा रेसिडुअल पावर भी है जो कि आर्टिकल 248 में मेंशन किया गया है। ओके, एक्सपर्ट और 15th फाइनेंस कमीशन रिव्यू करता है ये लिस्ट को। फाइन, स्टेट और कॉन्करेंट ये तीनों के सब्जेक्ट्स कितने एंट्रीज हैं अंदर, यहाँ देख सकते हो आप। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिफोर इंडिपेंडेंट वाला सेम तीन लिस्ट उसमें भी थे और रेसिड्यूरी पावर अंडर वाइसराय ये भी था मेंशन उसमें। सो आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्यसभा के पास पावर है। क्या पावर है भाई? टू पास रेजोल्यूशन बाई 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करते राज्यसभा वाले मिलके कि नहीं भाई तुम लो ये स्टेट लिस्ट में कुछ बदलाव करो, किसको देते हैं? पार्लियामेंट को, यानी कि सेंटर के हाथ में, फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो राज्यसभा मिलके सब्जेक्ट लिस्ट ले जाके सेंटर के हाथ में थमा सकते हैं, पर उनको पहले रेजोल्यूशन पास करना चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा आर्टिकल 250 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। ओके, अकॉर्डिंग टू 352 नेशनल इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लिस्ट में कुछ भी बदलाव कर सकता है। ओके, आर्टिकल नंबर 252 क्या कहता है? वो कहता है कि टू और मोर स्टेट, दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट में कुछ आइटम चेंज करना है, सेम एज राज्यसभा पावर। राज्यसभा पूरा मिलके करे या दो स्टेट से ज़्यादा मिलके करे। आर्टिकल 253 क्या कहते हैं? पार्लियामेंट अगर इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में हो तो पार्लियामेंट कर सकता है। तो अब ये सब देख के हमें क्या पता चलता है? यूनियन के हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावर है, इसलिए इंडिया इज़ ए फेडरल बट यूनिटरी बायस कॉल्ड क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,